शांतनु। अत्यंत ही प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में महाभीष्ट नाम के राजा हुए। वे इतने पुण्यवान थे कि उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग में निवास प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, महाभीष्ट को स्वयं ब्रह्मदेव की सभा में आसन ग्रहण करने का सम्मान प्राप्त हुआ। एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की सभा में सभी नदियों के साथ गंगा भी आई। उस समय सभा में उपस्थित राजा महाभीष्ट और गंगा परस्पर मोहित हो गए। यह देख पितामह ब्रह्मदेव ने महाभीष्ट को पुनः मानव जन्म लेने का शाप दिया और तुरंत ही महाभीष्ट को वर दिया कि मर्त्यलोक में गंगा उसकी पत्नी होगी और वे कुरु वंश में जन्म लेंगे। महाप्रतापी राजा हस्तिन ने कुरु वंश की प्राचीन राजधानी का नवनिर्माण करवाया, जो हस्तिनापुर के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस राजा हस्तिन के पुत्र राजा प्रतीप तथा उनकी धर्मपत्नी के गर्भ से राजा महाभीष्ट ने जन्म लिया। बालक का नाम शांतनु रखा गया। उचित आयु में शांतनु का राज्याभिषेक करके महाराज प्रतीप ने वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किया। एक बार वन में शिकार ढूंढते हुए उन्हें एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। दिव्य वस्त्रों और आभूषणों को धारण किए हुए उस स्त्री की सुंदरता देवकन्याओं जैसी थी। उस दिव्य सुंदरी को देखते ही महाराज शांतनु का मन उस पर मोहित हो गया और उन्होंने उस सुंदर स्त्री के सम्मुख विवाह करने का प्रस्ताव रखा। विवाह के लिए स्वीकृति देते समय उस स्त्री ने एक शर्त रखी। मैं जो कुछ करना चाहूं उसके लिए मुझे पूरी स्वतंत्रता हो और आप मुझसे मेरे किसी कार्य को लेकर प्रश्न नहीं करेंगे। यदि किसी भी समय यह नियम भंग हुआ तो मैं आपको उसी क्षण छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने यह शर्त तुरंत मान ली। कुछ समय बाद शांतनु की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। शांतनु के आनंद का ठिकाना न रहा, किंतु उनका यह सुख अल्प अवधि ही टिका। एक रात उन्होंने देखा कि उनकी रानी अपने नन्हे बालक को लेकर महल के बाहर जा रही है। वे भी बिना शब्द किए चुपचाप उसके पीछे चलने लगे। रानी ने, तुम्हारी जो इच्छा है मैं वही कर रही हूं, बोलकर शिशु को गंगा के प्रवाह में बहा दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर राजा का दिल दहल गया। वह रानी से कुछ कहने ही वाले थे कि उन्हें रानी की शर्त का स्मरण हुआ। वह पत्थर की भांति निश्चल हो गए। इस प्रकार एक के पश्चात एक 7 नवजात शिशुओं को रानी ने गंगा के प्रवाह में बहा दिया। 8वें शिशु को लेकर वह गंगा के तट पर जा खड़ी हुई, तब राजा ने उसे रोका। महाराज, मैं गंगा, ब्रह्मा जी के शाप के कारण मैं आपकी पत्नी बनी। मैंने अष्ट वसुओं के साथ हुए समझौते के अनुसार अब तक 7 वसुओं को मुक्ति दी। आपका यह पुत्र योग्य समय आने पर आपको मिलेगा, पर आपने वचन भंग किया, इसीलिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। यह कहकर गंगा शिशु को लेकर गंगा नदी में अदृश्य हो गई। खिन्न मन से शांतनु लौट आया। वह बहुत उदास रहने लगा। एक दिन शांतनु जहां उन्हें गंगा पहली बार मिली थी वहां गए। उन्होंने देखा कि नदी के बहाव के प्रतिकूल दिशा में थोड़े अंतर पर नदी में एक तेजस्वी बालक शरवर्षा कर रहा था, जिस कारण नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था। राजा को देखते ही बालक नदी में कूदकर अदृश्य हो गया। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। वह नदी के धारा में जाकर खड़े हो गए और गंगा को संबोधित कर बोले, हे जाह्नवी, कौन है यह तेजस्वी बालक? उसी समय बालक का हाथ पकड़कर गंगा प्रकट हुई और बालक को आगे बढ़ाते हुए बोली, महाराज, यही है आपका 8वां पुत्र। इसका नाम देवव्रत है। मैंने इसे क्षत्रिय राजा के लिए आवश्यक सभी शिक्षा दी है।
यह सब विद्याओं, कलाओं, वेद वेदांगों, शस्त्र विद्या और धनुर्वेद में निपुण है। यह दीर्घायुषी होगा, युद्ध में यह अपराजित है। यह समस्त भरत वंश की गरिमा को चरम बिंदु पर ले जाएगा। अब आप ही इसे संभालिए। पुत्र मिलने के कारण शांतनु के आनंद की सीमा न रही। वे अपने पुत्र को राजधानी ले आए। देवव्रत राज्य व्यवस्था का कार्य कुशलता से कर रहा है देखकर शांतनु ने शासन का पूरा भार उस पर सौंप दिया।